मैम ये पहला लेक्चर ही है अभी जी मैम, लेक्चर है 9 बजे तक लेक्चर में। अभी अच्छा ये आप लोगों का पहला तो लेक्चर है, साथ में ठीक जी है। मैम, कोई ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। ओके सो फूडबॉर्न डिजीजेज हो गई, वाटर बेस्ड जो है, वाटर रिलेटेड जो होती हैं वो आ गई। उसके बाद आ जाता है फूड इन्फेक्शन जो होती है, या तो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरिया की ये टाइप बताई हुई है कि कौन कौन से बैक्टीरिया, सेल्मोनेलेसिस होती है, गैस्ट्रो इंट्रेसिस होती है, ये सारी। फिर उसके बाद वायरसेस का बताया हुआ है कि वायरसेस से कौन कौन सी होती है, पैरासाइट से कौन कौन सी होती हैं, ये सब जो है हम लोगों ने डिस्कस करें। कल तो मैंने बैक्टीरिया का नहीं बताया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को अब आज बैक्टीरिया का भी डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया में कौन से आते हैं। फूडबॉर्न बैक्टीरिया में कौन कौन से आ जाएंगे, ब्यूटलिज्म आ जाएगा, इकोलाई, सालमोनेलिसिस आ जाएगा, फिर ये गिलोसिस आ जाएगा, लिस्ट्रोसिस आ जाएगा, स्ट्रेप्टाइलोकोकल इलनेस आ जाएगी। ये सारी जो है वाटर, जो बैक्टीरिया वाटर और फूड में, ये सारे जो है बैक्टीरिया डिजीजेस कॉज करते हैं उसको, फूड को कंटेमिनेट, फूड और वाटर दोनों को करते हैं। पहले तो मैंने अलग अलग कल था कि आपको और इजी है, लेकिन अब ये वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि मैंने इकट्ठा कर दिया है। एक ही है फूड और वाटर में जो जो बैक्टीरिया कर रहे हैं वो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बैक्टीरिया, ये वो सारी स्लाइड्स हैं जो हम लोगों ने बैक्टीरिया की फूड पे, उसमें थर्ड लेक्चर नहीं, फोर्थ लेक्चर था आई गेस, हाँ फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने फूड बॉर्न पैथोजेंस का जो पढ़ा था उसमें ये वाली स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। फिर बैक्टीरिया का आ जाता है, इसमें सबसे पहले वही क्लॉस्ट्रिडियम आ जाता है, उसका जो है एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक भी आपको पता है कौन से बैक्टीरिया होते हैं। टाइप ऑफ इलनेस इसमें क्या होती है, बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन होती है। ऑनसेट टाइम 12 to 36 आवर्स का होता है। इसमें सिम्टम्स इसके हैं डिजीनेस है, डबल विजन है, डिफिकल्टी इन ब्रेदिंग एंड स्वेलिंग, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद इकोलाई का आ जाता है, इकोलाई में आ जाते हैं वही चीज़ है, इसमें भी टॉक्सिन जो होता है इसमें पॉइजनस सब्सटेंस होता है। एनरोबिक बैक्टीरिया इसमें होता है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसमें भी। इसमें ऑनसेट टाइम 3 to 8 days होता है। सिम्टम्स में क्या होता है, ब्लडी डायरिया आ जाता है, जो कि अगर एक्सट्रीम पे चला जाए, बहुत एक्सट्रीम पे चला जाए, तो किडनी फेलियर हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें आता है फूड सोर्सेज, कि किन सोर्सेज से ये होता है। सबसे पहले अनग्राउंड जो अंडरकुक्ड ग्राउंड बीफ होता है उसकी वजह से हो सकता है, अनपास्चराइज्ड जो है एप्पल जूस होता है, कुक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रॉ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स के, अगर उनको उनके टेम्परेचर पे उनको अच्छे से कुक ना किया जाए, जिस जो उनको टेम्परेचर रिक्वायर होता है जो बैक्टीरिया वायरसेस और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए, उनको किल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है, टेम्परेचर रिक्वायर होता है, वो एटमोसफेयर रिक्वायर होता है, अगर वो ना मिले तो ये वायरसेस जो है फूड में रह जाते हैं, जो आगे जाके फूड को और वाटर को जो है कंटेमिनेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है लिस्ट्रियोसिस, उसमें क्या आ जाता है, ये भी फैकल्टेटिव एनरोबिक बैक्टीरिया होता है। इन हाई सॉल्ट फूड्स के अंदर जो है ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं जो सरवाइव करने के, ठीक है। उसके बाद ये हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर होता है उसमें ये इजीली ग्रो कर सकता है। और उसके बाद इसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इस, ये भी, और इसका ऑनसेट टाइम 3 to 17 days तक होता है। उसके बाद सिम्टम में उसके हेडेक है, स्टिफ नेक है, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ बैलेंस, डेंजरस, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद फूड सोर्स फिर वही है, रॉ मिल्क, मीट, रेफ्रिजरेटेड रेडी टू ईट फूड्स। वैसे तो मेंशन किया होता है कि आप इतने से इतने टाइम के लिए जो फूड है रेफ्रिजरेटेड रेडी टू ईट फूड है आप इसको इतनी देर के लिए कुक करो, लेकिन जो मीट में रेडी टू ईट, अगर मीट को देखा जाए उस मोस्टली रेडी टू ईट जो फूड्स मिलते हैं वो मीट बेस ही होते हैं, चिकन के होते हैं, नगेट्स और ये सारी चीज़ें, तो इनको जो है अच्छे से कुक करना चाहिए, जो टेम्परेचर उस पर दिया होता है, टाइम दिया होता है कि इतने टाइम तक करना है वो इनफ नहीं होता है, उसको अच्छे से करना चाहिए ताकि अंदर जो वायरसेस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो जैसे ख़त्म हो जाए। जैसे कि ये वाला जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ जो है रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे जो है बहुत अच्छी होती है ग्रोथ, ये इजीली ग्रो कर सकता है, तो इसलिए जो इस तरह के फूड्स होते हैं, कुछ जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया लिस्ट्रोसिस की जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको अच्छे से कुक करना चाहिए।
उसके बाद अगला आ जाता है सैल्मोनेलोसिस आ जाता है, ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया है और उसके बाद कंटेमिनेशन इसकी होती है फेशियल के थ्रू होती है और टाइप ऑफ इलनेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर वही इसके स्टमक क्रैम्प्स डायरिया हेडेक और नोजिया फीवर वॉमिटिंग आ जाती है और फूड सोर्सेस में ये सबसे ज़्यादा आ जाता है सॉइल जो अंडर जो ग्राउंड जो होते हैं जिनको हम ज़मीन के अंदर बनाते हैं उसके बाद इसकी जो क्लीनिंग होती है वो भी सुना हुआ है देखा भी हुआ है इनफैक्ट कि वो साफ़ पानी से नहीं करते इसलिए ये ज़्यादा चांसेस होते हैं फूड के कंटेमिनेट के। फूड सोर्सेज जो सॉइल्स में प्रोड्यूस होती है इंसेक्ट है रॉ मीट है फिश एग रॉ सैलड ड्रेसिंग स्लाइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्ड ये सारी जो है इसमें आ जाती है। उसके बाद अगला है शेगलियोसिस आ जाता है, ये भी जो है एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन जो होता है उसमें ज़्यादातर हो उसमें कम्स फ्रॉम ह्यूमन इंटेस्टाइन से जो है ये आगे फर्दर आता है। इतनी लेट क्या टाइम हो गया अभी 13 मिनट हुए अब आ रहे हैं। पोल्यूटेड वाटर्स के थ्रू होता है फ्लाइज के थ्रू आ जाती है फूड हैंडलर्स के थ्रू जो है ये जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रांसमिशन इसकी होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसकी भी डायरिया आ जाता है फीवर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डिहाइड्रेशन आ जाती है। फूड सोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन सैलड्स आ जाते हैं जैसे रेडी टू ईट मीट आ जाता है पास्ता सैलड्स लेटस ये सब चीज़ें जो है इसमें आती है। स्टैफिलोकोकल इलनेस जो है ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया होता है कुक्ड और जो होता है कंटेमिनेटेड इस जो कुक्ड फूड होता है उसमें इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद जो होता है ये आपने इसके लिए पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होता है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफ़र हो सकता है और उसके बाद ह्यूमन स्किन पे हम लोगों के प्रेजेंट होता है हैंड हेयर नोज एंड थ्रोट में। फिर उसके बाद हाई साल्ट और हाई शुगर जो है इसकी जो इन्वायरमेंट होता है जिस एटमॉस्फेयर में ये ग्रो कर सकते हैं उनके लिए इसका हाई साल्ट और हाई शुगर इन्वायरमेंट में इजीली ग्रो कर सकते हैं एंड लोअर वाटर एक्टिविटी जहाँ पे वाटर एक्टिविटी भी लो हो जाती है। और फिर बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन है सिम्टम्स में वही आ जाते हैं। फिर इसके फूड सोर्सेज हैं या आप लोग खुद देख लो एक एक करूँगी तो फिर टाइम लग जाएगा। अब वायरसेस हमारा बैक्टीरिया से जो फूड और वाटर बोर्न इलनेस होती है या जो वाटर और फूड में जो बैक्टीरिया फूड को कंटेमिनेट करके हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बनाती है हम लोगों के लिए डिजीजेस कॉज करती है वो डिस ख़त्म हो गया। अब बारी आती है वायरसेस की। वायरसेस क्या होती हैं कि ये स्मॉल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये लिविंग सेल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग नॉट ये नॉन लिविंग सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ठीक है जो लिविंग सेल होते हैं उसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और विद इन अ सेकेंड विद इन अ मिनट डिपेंड करता है कौन सा वायरस है तो वायरस के डिपेंड पे ये जो है ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वायरस होते हैं कुछ जो रेजिस्टेंस शो करते हैं टू हीट पे ड्राइंग जहाँ पे ज़्यादा उसको फूड में ड्राइंग वाला प्रोसीजर किया जाता है फ्रीजिंग में अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है जहाँ पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इसमें डीएनए और आरएनए होता है सिंगल और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है आरएनए और डबल का उसके बाद उसका प्रोटीन का कोट भी होता है और कुछ में जो है आउटर इनवेलप भी होता है जिसमें लिपिड प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी हेल्प से हम इसको जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है फूड एंड वाटर बॉर्न वायरसेस जो होते हैं ये कैसे डिफरेंट होते हैं। जो वायरसेस होते हैं ये लिविंग होस्ट में जैसे पहले बताया कि नॉन लिविंग में ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ये रिजिस्ट ही लिविंग सेल होस्ट में जो है वो ये करते हैं। ये फूड में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं लेकिन जब फूड हम कंज्यूम कर लेते हैं कि फूड में एंटर हो जाते हैं और उस फूड कंटेमिनेटेड जो वायरस से कंटेमिनेटेड फूड है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो लिविंग होस्ट के अंदर जाके ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं मल्टीप्लाई कर सकता है।
फ्रॉम वन फूड टू अनदर ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है. और उसके बाद आ जाता है फ्रॉम अ फूड हैंडलर टू फूड, एक जो फूड को हैंडल कर रहा है फूड को, फ्रॉम प्रोसीजर जैसे कि उसकी प्रोडक्शन से लेके उसकी लास्ट स्टेप तक उसको कंज्यूमर तक सप्लाई करने तक जितने भी प्रोसेस आते हैं वो फूड हैंडलर के. अगर पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है तो वो फर्दर जो है वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फूड में, फूड से जो है आगे फर्दर ट्रांसमिट हो जाते हैं. उसके बाद कि पोटेंशियली हैजर्डस टू फूड होता है, तो इसलिए जो है इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए ताकि वायरसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे ट्रांसमिट ना हो सकें, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. वाटर एंड फूड बॉर्न वायरसेस, वाटर से और फूड दोनों से जो वायरसेस होते हैं फूड में और वाटर में और आगे वो जो फर्दर जाके डिजीज कॉज करते हैं, उसमें से हेपेटाइटिस ए वायरस है, ई वायरस है, रोटा वायरस है, नोरो वायरस है जिसको नॉरवर्क वायरस भी कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना. ये बहुत कंफ्यूज करता है, नोरो वायरस को ही नॉरवर्क वायरस भी कहते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस ए, ये भी उसी स्लाइड में से है जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. हेप्टोवायरस है और हेपेटाइटिस ए वायरस इसमें इसको कहा जाता है. ह्यूमन इंटेस्टाइनल जो होता है ये हम उसमें प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ट्रैक में, और के जो है कंटेमिनेटेड वाटर से ज़्यादा जो है वो हेपेटाइटिस ए के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. उसके बाद इसके सिम्टम्स बताए गए हैं, उसका इंक्यूबेशन टाइम बताया गया हुआ 2 से 10 मंथ्स होता है और आफ्टर कंटेमिनेटेड फूड वाटर इज कंज्यूम. उसके बाद फूड सोर्सेज इसके बताए हुए ऑयस्टर्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, और उसके अलावा जो है जो होता है कंटेमिनेटेड वाटर जो है इसका मेन सोर्स होता है हेपेटाइटिस ए की ट्रांसमिशन में. उसके बाद आ जाता है ये एक्चुअली करता क्या, हम लोग जो लीवर होता है उसको उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और जब वो लीवर के फंक्शन, जैसे हम लोगों ने लास्ट वो जो हेपेटाइटिस के सारे वायरसेस का पढ़ा था कि ये इस तरह होते हैं, ये आगे लीवर के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, कुछ पे ये जो वायरसेस होते हैं वो इतने होते हैं कि लीवर पे जो है वो स्कार्स बना देते हैं, जब वो स्कार्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो लीवर जो होता है वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है. तो वो लीवर जो होता है कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ जो है रेयर केसेस में होते हैं हेपेटाइटिस से जो है वो डेथ भी हो जाती है. इन्फेक्शन कुछ जो है माइल्ड होते हैं, कुछ जो है जैसे कि कुछ एक्यूट हैं और कुछ क्रॉनिक है इसकी टाइप्स हेपेटाइटिस की. उसके बाद जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे इतना ये नहीं, लेस कॉमन है डेवलप कंट्रीज में. उसके बाद उसकी प्रिवेंशंस बताई हुई हैं कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स भी हैं. उसके बाद इम्यून ग्लोबिन जो है ग्लोबुलिन भी यूज़ कर सकते हैं जिसको आईजी कहते हैं, और इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करके अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में दोनों को यूज़ किया जाता है इकट्ठे. उसके बाद हेपेटाइटिस ई वायरस आ जाता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया हुआ है, और ये शॉर्ट फेज के लिए होती है. उसके बाद सिम्टम्स में जॉन्डस है और उसके बाद सेल्फ लिमिटेड होते हैं मोस्ट केसेस, इसके मोस्ट केसेस सेल्फ लिमिटेड होते हैं, ये फर्दर पर्सन टू पर्सन जो है वो नहीं जाते हैं. उसके बाद फर्टिलिटी रेट इसका 0 से 10% होता है, 20% जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेंस में इसका होता है. उसके बाद अगला आ जाता है इसका डायमीटर बताया गया हुआ है कि 32 से 34 नैनोमीटर तक हेपेटाइटिस ई का जो है साइज होता है, डायमीटर होता है. उसके बाद जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, पॉलीएडेनिलेटेड आरएनए होता है जीनोम, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 KB का होता है, और साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें. उसके बाद जो है वो फीकल और ओरल रूट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. वाटर बॉर्न जो होता है पर्सन टू जो होता है वो पर्सन टू पर्सन भी जो है वो स्प्रेड हो सकता है. अच्छा, इसका ये है कि जो हेपेटाइटिस ई है ये मोस्टली जो है वाटर से ही, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसके थ्रू ही ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है, ठीक है. लेकिन एज अ फूड में देखा जाए तो फूड में
पे इतनी अभी तक नहीं आया कि कहा गया कि हेपेटाइटिस ई जो है वो किसी फूड को कंज्यूम करने से हुआ है, तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है. कुछ केसेस में आया और कुछ में नहीं आया, लेकिन अभी तक उस पर एक प्रॉपर जो है वो नहीं बताया गया कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस पर अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसकी ट्रांसमिशन है वो वाटर के थ्रू होती है. उसके बाद आ जाता है प्राइमरी जो है वो अडल्ट्स में होता है, जो इसमें देखा जाए तो जॉन्डिस ही आता है और हर एज में इसमें यही आता है. क्रॉनिक जो इन्फेक्शन होता है वो इसमें नहीं होती है. इसकी पर्सनल हाइजीन में अगर देखा जाए तो यही बताया हो गया. अगर आपको रिस्क एरिया जहाँ पे पता है कंटेमिनेशन ज़्यादा है, वाटर कंटेमिनेशन जो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है, और नहीं पता है कि उसमें क्या क्या जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट, सारा कुछ अगर एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, तो उसके लिए बॉटल्ड वाटर यूज़ करनी चाहिए. प्योरीफाइड वाटर जो है वो यूज़ करनी चाहिए वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए और जब भी पकाए. और रॉ मीट जो होता है पॉग और गेम मीट जो होते हैं उनको जो है अवॉइड करना चाहिए. हम लोगों के तो इस्लाम में वैसे भी मना है. उसके बाद अगला आ जाता है कि पानी को जो अच्छे से बॉईल करना चाहिए, ताकि उसमें उसके उस टेम्परेचर पे इतने टाइम के लिए उसको अच्छे से बॉईल करके, ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी किस्म का है वो ख़त्म हो जाए. फिर अपने हाथ को जो अच्छे से जो है वॉश करना चाहिए. उसके बाद अगला आ जाता है रोटा वायरस. रोटा वायरस जो होता है ये मोस्टली जो है इन्फेंट्स में होता है, न्यूबॉर्न्स जो होते हैं उनमें होता है. उसके अंदर ये डायरिया कॉज करता है, वॉमिटिंग होता है, सिवेरिटी में चला जाए तो ये डेथ भी हो सकती है. और बहुत से कंट्रीज़ में ये अभी तक जो है वो रोटा वायरस, जैसे मैंने कल भी बताया था इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी इसके केसेस हैं, लेकिन इंडिया में इसके रोटा वायरस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये मोस्टली पानी की वजह से होता है. और उसके बाद ये है कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है इतना इसका नहीं है, लेकिन इंडिया में इसके ज़्यादा केसेस आते हैं. उसके बाद इसके वो क्लासिफाइड वेदर रियोराइड, एक सेकंड, ओके, रोटा वायरसेस आर क्लासिफाइड विद द रियोराइड फैमिली, ठीक है. जीनोम कंसिस्टिंग ऑफ 11 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सेगमेंटेड सराउंडेड जो उसकी होती है वो टू लेयर प्रोटीन जो होती है उससे सराउंडेड इसकी होती है. पार्टिकल्स इसके जो डायमीटर होता है वो 70 नैनोमीटर तक होता है. उसके बाद और ये जो है वही गैस्ट्रो इंटराइटिस जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. आपके जो जैसे वॉमिटिंग, डायरिया और लो ग्रेड फीवर, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये लो ग्रेड फीवर जो इससे कॉज होता है. उसके बाद इसका लार्ज नंबर है कि एक बंदा जिसको रोटा वायरस हुआ होता है वो 108 से 1010 तक जो है इन्फेक्शियस जो पार्टिकल है वो थ्रू फेसेस जो है वो एक्सक्रीट करता है. और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, रोटा वायरस की एंजाइम इम्यूनोसिसी होती है, वाइडली यूज्ड टू जो क्लिनिकली हम लोग असेसमेंट करते हैं उसको चेक करने के लिए कि ये रोटा वायरस है कि नहीं है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. ये सब जो टेक्निक्स हैं इनको आप अब अच्छे से याद रख लेना. इनकी डिटेल मैंने नहीं शेयर की कि किस तरह होता है, इसके किस तरह आगे आगे यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके बाद सबसे ज़्यादा ये इन्फेंट्स को जो है वो अफेक्ट करता है. और उसका बताया 3 मिलियन केसेस जो है रोटा वायरस से जो है एनुअली जो है वो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं. टेम्परेचर एरियाज में क्या होता है कि ये वाटर ये विंटर्स में जो है जो क्या कहते हैं प्राइम जो विंटर्स में जो है ये सब जो इतना इसका जो ज़्यादा आप क्या कह लो कि एक सेकेंड उसको उधर रख दो, बाद में देखती हूँ.
ओके सो इट अकर्स प्राइमली इन द विंटर, ये विंटर्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा ये अकर करता है. उसके बाद जो ट्रॉपिक होते हैं, ट्रॉपिक एरियाज होते हैं, उसमें ये जो है थ्रू आउट द ईयर ये होता रहता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो विंटर्स में है वो ज़्यादा इसके होते हैं. उसके बाद नोरो वायरस, और जिसको हम नॉर्वक वायरस भी कहते हैं, ये कल भी पढ़ा था, ये क्रूज शिप वायरस होता है, रेडी टू ईट फूड्स में होता है, शेलफिश उसमें जो है, ये भी आपको बताया था कल क्या होता है. फिर उसके बाद इसमें भी वही इसके होते हैं कि कौन कौन सी इससे सिम्टम्स हैं इसके, डायरिया है, वॉमिटिंग है, अबडोमिनल पेन आ जाती है. नॉर्वक वायरस का भी यही बताया हुआ है, इसी तरह सिम्टम्स में जो है वही सारे सिम्टम्स हैं. फिर फूड सोर्सेज बताए हुए हैं, कंटेमिनेटेड वाटर, शेलफिश आ जाता है, और उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, और रेडी टू ईट फूड्स जो होते हैं, फ्रोजन फूड्स, वो भी आ जाते हैं. नॉर्वक वायरस को जो नॉर्वक वायरस भी कहते हैं, फूड 50% और जो फूड बर्न की जो ब्रेकडाउन होती है वो इसकी वजह से होती है. हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ये जो है वो ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, इसीलिए बताया गया ये जो है वो ईजिली काम उसका कर सकता है. उसके बाद आ जाता है इसकी कॉन्टेजेनियस होती है, कॉन्टेजियस होता है, ये मल्टीप्लाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, ये एक मोड नहीं है इसका, ये डिफरेंट मोड से जो है इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, स्टेबल इन द एनवायरनमेंट होता है. उसके बाद डिसइंफेक्शन मेथड्स होते हैं. उसके बाद जो क्या कहते हैं इसकी फर्दर, इसको अगर देखा जाए तो इसमें अगर क्या कहते हैं इसकी जो वो होती है कैरियर भी होता है, और जब ये ट्रांसमिट होता है तो इसकी जो लास्ट पे कहते हैं जिसको वर्स्ट में अगर चला जाए तो ये इतना वर्स्ट हो जाता है कि जो एक तो डेथ तो इसकी होती होती है, लेकिन इसके बाद ये भी होता है कि स्टूल का जो होता है, स्टूल जब स्टूल पासिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और फर्दर ये और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ये वर्स्ट कंडीशन में जो है चला जाए. ठीक है, रेप्लिकेट कर जाता है, कल्चर जो है इसको कल्चरली इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. इसका जो पैथोजेनिसिटी है, ये इसका कैसे मैकेनिज्म जो होता है कि ये पैथोजन कैसे आगे इसकी पैथोजेनिसिटी होती है, वो अभी तक स्टिल अननोन है, इस पर भी वर्क चल रहा है. उसके बाद आ जाता है लिमिटेशंस जो है डिटेक्शन मेथड होते हैं. उसके बाद ट्रांसमिशन बताई गई है कि कैसे इसकी ट्रांसमिशन होती है, ये आप लोग देख लेना, खुद पढ़ लेना. फिर उसके बाद ये किस तरह फूड में जो है वो स्प्रेड होता है, किस तरह ये फूड्स में जाता है, वाटर में जाता है, किस तरह उसको कंटेमिनेट करता है, ये बताया गया हुआ है. सबसे पहले इसमें ये है कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जब ये वायरसेस बॉडी में चले जाते हैं तो बॉडी तो हम लोगों की इफ़ेक्ट हो ही जाती है. फूड में किस तरह होती है कि अगर अब एक बंदा इन्फेक्टेड है इस वायरस की वजह से, तो अगर वो फर्दर जो है चीज़ों को यूज़ करेगा और तो वो पर्सन टू पर्सन ये जो है और ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है, उसके बाद इसके मेन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू किस तरह होती है, फूड के थ्रू अगर देखा जाए, फूड हैंडलर से होती है. अगर फूड हैंडलर जो है उसकी हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है, पुअर हाइजीन है, अच्छी नहीं है, तो फिर वो जो है वो ट्रांसफ़र जो होता है हो जाता है. फिर फूड का जब एनिमल वेस्ट के साथ हो जाता है, ह्यूमन सीवेज जो होती है, सीवरेज के साथ अगर कोई कंटेमिनेशन हो रही है, फूड मतलब कोई लाइन जो है हम लोगों के पानी वाली लाइन के साथ मिक्स हो जाती है, सीवरेज लाइन, तो वो वायरसेस जो है ये मिक्स हो जाते हैं, और अगर उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आगे फर्दर वाटर को भी पोल्यूट कर देती है, और वाटर भी पोल्यूट हो जाता है, और उसके बाद जो है फिर हम लोगों तो अगर उसको कंज्यूम कर लेंगे तो हम लोगों की हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा. कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट एनिमल रिजन लाइक मीट फिश जो है इसको भी कंटेमिनेट हुए हों तो ये प्रॉब्लम होती है. उसके बाद आ जाते हैं फूड एसोसिएटेड विद वायरल फूड एंड वाटर बॉर्न इलनेस जो है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं शेलफिश आ जाती है. जैसे कल भी बताया था कि शेलफिश ले रहे हैं तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह से लिए वहाँ जिस पानी से लिए वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, साफ़ पानी है. अगर साफ़ पानी होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कंटेमिनेटेड होगा तो वायरस के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है. उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी यही ख्याल रखा जाता है कि जो
कि वो अच्छी जगह पे उसको जिसके लिए पानी भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पानी जो हम उसको देंगे वो भी कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए और साफ पानी यूज करना चाहिए ताकि जो फ्रेश जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो अच्छी जो है प्रोड्यूस की जाए, और अनकुक मीट जो होते हैं जैसे कि पॉक है उससे उसको यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसमें ये बताए हुए कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग से, वॉश हैंड वॉशिंग से, फिर उसके बाद प्रॉपर हैंडलिंग करते हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल की, फिर उसकी स्टोरेज जो है उसको अच्छे से रखते हुए कि जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, कुकिंग जो कुकिंग होती है पॉक मीट की उसको अच्छे से करना चाहिए, लेकिन इस्लाम में मना है। तो ये बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लिए यही बताया गया कि अच्छे से अगर वो कंज्यूम भी कर रहे हैं तो उसको कुक करना चाहिए, क्योंकि उसका मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो दूसरे जो उसका मीट होता है वो बहुत ज़्यादा उससे क्या कहते हैं, कह लो कि उसको कुकिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे बीफ है, हम लोग बीफ करते हैं, बीफ को भी ज़्यादा टाइम चाहिए होती है, उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो पोर्क होता है उसमें फ़ैट कंटेंट सब मीट से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी डाइट अच्छी नहीं होती है, उसको अच्छी जगह पर रखा नहीं जाता, उसके जो पोर्क होता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत से वर्म्स जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो इस वजह से वो उसके मीट को अच्छे से कुक करना चाहिए बाहर के कंट्रीज़ में, ठीक है। और इसके बाद एक हॉस्पिटल्स वालों की एग्जांपल्स बताई हुई है कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो बीमार है तो उसका जो है फूड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जो होते हैं, फूड एरियाज जो होते हैं वहाँ पे उसकी एंट्री को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उसको वहाँ इतनी नहीं, उसको आने जाने की इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद क्लीन वाटर यूज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद एनिमल रेडी टू ईट क्रॉप्स जो होते हैं, एनिमल मैनजर्स जो होती हैं, इन सबको जो है अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद शेल फिश का भी यही बताया गया कि वही साफ पानी होना चाहिए। फिर उसके बाद ये स्टेप्स बताए हुए हैं कि वायरस की जो रेप्लिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, कितने स्टेप्स में होती है, ये सारा आपको बताया गया है। एड्सॉर्प्शन होती है, इनफिल्मेंट आ जाती है, अनकोटिंग आ जाती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मैचुरेशन, रिलीज, साइटोपैथोलॉजी आ जाती है, फिर उसके ट्रांसमिशन आ जाती है, सारे होते हैं। इनको डिटेल मैंने नहीं डिस्कस की, बट ये आप लोग जो स्टेप्स हैं इनको अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ की, देखा जाए फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न प्रोटोजोआ, वो उसको देखा जाए तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होती हैं, कि उसको लिव पैरासाइट को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए किसी लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये किसी के होस्ट में रह के अपनी जो है वो लाइफ साइकिल जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं और उसी से जो है अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। जबकि प्रोटोजोआ जो होते हैं ये लिविंग भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब ये डिपेंड भी करते हैं और डिपेंड भी नहीं करते हैं, ये फ्रीली भी रह सकते हैं, किसी होस्ट में भी जाके ये रह सकते हैं, और ये ज़्यादातर इनकी फीडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक टिश्यूज और डेब्रिस पे होती है, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है पैरासाइट में जो है होस्ट जो है वो ज़रूरी होता है, जबकि प्रोटोजोआ में ज़रूरी है भी और नहीं भी है, ये दोनों तरह के लाइक फ्री लिविंग भी है और पैरासाइटिक भी होते हैं। ये इनको हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत होती है, जबकि ये डेब्रीज पे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे जो है वो रह सकते हैं। और उसके बाद जो होते हैं मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ये यूनिसेलुलर इक्रियोटिक जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटोजोआ की ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर पैरासाइट्स में देखो तो दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, पहला एक प्रोटोजोआ आएगा, उसमें फिर हेलमिंथिस आ जाएगा। प्रोटोजोआ की ये सारे बताए हुए हम इनको डिस्कस करेंगे और हेलमिंथिस में हम इनको डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ का ये भी हम लोगों ने उसी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, जो जो चीज़ें डिस्कस की हुई है। टाइम कम है, 5 मिनट रह गए, अगर नेक्स्ट क्लास नहीं है तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। बच्चों जल्दी बताओ। मैम 4 बजे हमारी क्लास है नेक्स्ट। अच्छा चलो कोई नहीं, 5 मिनट 5-10 मिनट ऊपर हो जाएगा, कुछ नहीं होता, अभी तो वैसे भी टाइम है, 4 बजे क्लास है, 3:40 हुए हैं अभी तो। ओके प्रोटोजोआ आ जाता है। प्रोटोजोआ ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 4th लेक्चर में, तो ये वहां से आप लोग देख लेना। उसके बाद ये भी जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं पहले उसको आप लोग जो है जैसे ये
टॉक्सिप्लाज्मोसिस जो है ये नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है. सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, फूड बॉर्न की वजह से ये होती है. ये मोस्टली जो है एनिमल में होती है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा मज़ीद डिस्कस नहीं किया. लेकिन ये जो है ह्यूमंस में भी इसकी ट्रांसमिशन होती है. सो हम लोग सिर्फ इसको इतना ही बताया गया हुआ है. उसके जो है डायरिया होता है, ओरल फिकल ओरल ट्रांसमिशन होती है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होती है. और इंटेस्टाइन इसकी जो होती है लीवर की और स्किन और माइसेलिनियस बॉडी साइट्स जो होती हैं ये इनको अफेक्ट करता है. फिर उसके बाद हेलमेंथीस को अगर हम देखा जाए, हेलमेंथीस जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं. जी आर या सी आर आप प्रेजेंट हो तो जो स्टूडेंट हैं ना उनका आप स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि अटेंडेंस का टाइम नहीं रहेगा. ओके मैम. अच्छा, उसके बाद हेलमेंथीसिस का बताया गया. हेलमेंथीस जो होते हैं ये हम लोगों ने अभी तो नहीं बहरहाल पहले क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है इसको. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, विजिबल होते हैं. इसको हम जब ये एडल्ट होते हैं तो हम इजीली इनको अपनी आई से जो है ये इजीली देखा जा सकते हैं. और उसके बाद होती है फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट्स भी होते हैं. उसके बाद जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये ह्यूमन के अंदर. हम लोगों के जो जैसे कि पैरासाइट्स भी हैं तो ये ह्यूमन के अंदर है कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ट्रांसमिशन के ये जो है ट्रांसमिट होने के ये डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं और ये ट्रांसमिट हो जाते हैं. इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. ये फिर से वही उसकी सारी टाइप्स बताई हुई हैं. प्लेटी हेलमेंथीस फ्लैट वर्म्स आ जाता है, फ्लूक्स आ जाते हैं, टेप वर्म्स आ जाते हैं. और ये उसका स्ट्रक्चर है. प्लेटी का मतलब है फ्लैट और हेलमेंथीस का मतलब है वर्म्स, ठीक है. और ये इसके करेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि जो टेप वर्म होते हैं इसमें डाइजेस्टिव इनका ट्यूब कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है. कुछ सकर्स यूज़ करते हुए अपने आप को बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं और फर्दर जो है वो आगे जो अपनी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वहाँ से पूरी करते हैं. और उसके बाद ये आपको सारा बताया हुआ है, ये आप लोग अब खुद पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है इसका. चलो बता देती हूँ कितना टाइम रह गया, 2 मिनट है. ओके, राउंड वर्म जिसको हम कहते हैं नेमाटोड्स कहते हैं, ये हमने कल सच पढ़ा था कि इसके साइज क्या होता है. और अगर ये स्टमक में अटैच हो जाए तो वॉमिटिंग और अब्डोमिनल फीवर होता, अब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है. अगर ये हम लोगों की थ्रोट के साथ, ये मेरा कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था, नहीं कल नहीं था, ये और क्लास का था, कि अगर ये गले में कैसे लग जाते हैं. मोस्टली ये छोटे बच्चों के अंदर होता है. वो भी कैसे होता है कि जब छोटे बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते हैं तो ये जो वर्म्स होते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. जब इनके एग्स जो बच्चों के नाखून में चले जाते हैं वो इसी तरह बच्चे जो होते हैं इसी तरह मुंह में उंगली लगा लेते हैं, कुछ भी कर ले तो उनके थ्रू ओरल ये जो है गले में जाके अटैच हो जाते हैं. और फिर क्या कहते हैं वहाँ पे अटैच होके कफिंग कॉज करते हैं. फिर उसके बाद शार्प पेन, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो अटैच हो जाता है शार्प पेन हो जाती है, जिसकी वजह से ये फर्दर आगे फीवर होता है और अब्डोमिनल पेन वगैरह जो ये प्रॉब्लम कॉज करती है. आगे इसका पर्सनल हाइजीन का बताया हुआ है कि हाथ अच्छे से धोने चाहिए, प्रॉपर कुकिंग करनी चाहिए, वाटर को प्योरीफाई करना चाहिए, फूड को, और ये लास्ट मैसेज था कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे ना तो पानी मिलता है ना ही फूड मिलती है. सो इन चीज़ों का है वो ख्याल रखना चाहिए. बाकी ये वाला आपका, ये वाला तो ख़त्म हुआ, ठीक है. बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे ना व्हाट्सएप पे पूछ लो. और कल सैटरडे की आप टाइमिंग मुझे बता देना, कल क्या टाइमिंग रखनी. और आपके मिड और फाइनल्स इकट्ठे होने हैं, ऑनलाइन होने हैं, क्लासेस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही. मैम पक्की रिपोर्ट है? हाँ जी, यूनिवर्सिटी नहीं ओपन होनी. मैम कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी खबर दी है. मुझे भी बड़ी खुशी. नोटिफिकेशन कब आया? नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन आज मैं दोबारा यूनिवर्सिटी गई, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगी. अच्छा, मैम फिर कोरोना आ गया? तो आपको नहीं पता है कौन सी दुनिया में रह रही हो मैम. मतलब हमारा बीएस ऐसे ही गुजरेगा, कंप्लीट होगा, ऐसे ही गुजरेगा.